तो अज के लैक्चर दे विच आपां करांगे वेरिएशन ऑफ प्रैशर विद डैप्थ। जदों आपां प्रैशर बारे पढ़िया सी तां आपां इह पढ़िया सी प्रैशर इज़ दी रेशो ऑफ फोर्स एंड एरिया, जां इट इज़ दी फोर्स अपलाइड टू ए बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। जदों आपां किसी बॉडी ते फोर्स लाउने आ ते जिन्नी फोर्स लगती आ जिन्ने एरिए ते लाउने आ उहनूं आपां प्रैशर कहिंदे आ। क्लीयर? तो हुण आपां एक्चुअली अज दा जिहड़ा लैक्चर आ इह हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर की गल इहदे विच करांगे। ठीक आ, वेरिएशन ऑफ प्रैशर विद डैप्थ उहदे लई असीं कंसिडर करदे आ वेरिएशन ऑफ प्रैशर विद डैप्थ। डैप्थ की होंदी आ? डूंघाई, डूंघाई ते जाण। तो कंसिडर कर लें असी भी साढ़े को इतने एक कंटेनर आ, कंटेनर दे विच कोई फ्लूइड आ, फ्लूइड मे बी एयर, फ्लूइड मे बी ए लिक्विड, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, पर असी इतने शो करन दे लई उस चीज़ नूं इत्थे मैं वाटर वांगू जां किसी लिक्विड वांगू एक बना देना। सपोज कर लैंदा भी इहदी जिहड़ी डेंसिटी आ उह रो आ इस लिक्विड दी। ठीक है जी, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दिस लिक्विड इज़ कंसिडर टू बी एट रैसट, मूव नहीं करता, ना घूमता, ना इदा इदा मूव करता, इट इज़ एट रैसट। रैसट का मतलब यह आ भी जेकर ये कोई बॉडी होगी भी, जे आप कोई बॉडी ये पावे या कंसिडर करा तो वह खब्यों सज्जे उन्हें उत्ते कोई फोर्स नहीं लग रही, लैफ्ट राइट साइड वालू कोई फोर्स नहीं लग रही। क्लीयर? हुण प्रैशर डिफरेंस कढ़ने लई, वेरिएशन ऑफ प्रैशर कढ़ने लई डैप्थ लई असी एक इमेजनरी सिलेंडर ऑफ लिक्विड कंसिडर करते हैं। की कंसिडर करते हैं? ये ही इसे पानी का एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया जी, इसे पानी का बनया हुआ, कोई बाहरों नहीं पाया, इमेजिन कर लिया भी इतने एक सिलेंडर आ, तो ये जी हाइट आ सिलेंडर की वह एच आ, कितनी हाइट? एच। तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन आ जिहड़ा इट इज़ ए सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर कर लिया इसे पानी का, कोई बाहरों नहीं पाया, तो उसकी हाइट असी एच मान ली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए मान लिया। इन्नी गल समझ लग गई? ओके, हुण मान ली ये भी जिहड़ा उपरला पॉइंट आ जिहड़ा इहदे उत्ते जिहड़ा प्रैशर लगता इट इज़ पी वन। सपोज दिस प्रैशर इज़ पी वन, तो जिहड़ा थले प्रैशर लगता यह लगता पी टू। क्लीयर? हुण जिहड़ा इह सिलेंडर आ इहनू भी असी मान लैंदे आ भी इह इक्विलिब्रियम दे विच आ, क्योंकि पानी स्टेशनरी आ, रैसट ते आ, खब्बे सज्जे ते, इहदे भी कोई फोर्स नहीं लगी फिर। ठीक आ, तो फोर्स उपरले पास्यों थले नूं एस फेस ते लगेगी, थलले पास्यों उपर नूं एस फेस ते लगेगी, तो वो दोनों फोर्स जिहड़ियां उपरों थले नूं लगदियां, क्योंकि उपर वाला पानी जिहड़ा उह थले नूं प्रैशर लाऊगा, क्योंकि ग्रैविटी थले नूं लगती आ, ग्रैविटी आ जिहड़ी वो हरेक चीज़ नूं अपने खिंचदी आ। सो इस करके उपर वाला पानी थले एस फेस ते प्रैशर लाऊगा, तो थले वाला पानी है जिहड़ा वो एस फेस के उत्ते उपरले पासे नूं प्रैशर लाएगा, पानी का प्रैशर जिहनूं आपां थले पी टू मन्निया, उपर वाले नूं पी वन मन्निया। क्लीयर? तो इस सिलेंडर दे वेट नूं बैलेंस करनगियां आ दोनां फोर्सेस, जिहड़ियां फोर्सेस उपरले फेस ते थलले फेस ते लगदियां ने, क्योंकि प्रैशर फोर्स ओवर एरिया ही है ना। जिहड़ा उपरले फेस ते प्रैशर लग्या ये की आ, जिहड़ी उपरले फेस ते फोर्स लगी बटे जिहड़ा उपरले फेस का एरिया, थले वाला जिहड़ा प्रैशर आ वह किन्ना, जिहड़ी थलले फेस ते फोर्स लगी इहनूं मैं एफ टू कह दिंदा, तो जिहड़ा थले वाले फेस का एरिया। क्लीयर? हुण जिहड़ा इस सिलेंडर दे विच पानी आ, इहदियां बाउंडरीज़ दे विच जिहड़ा पानी आ, उहदा वेट आ जिहड़ा उह थले नूं लगेगा, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रैविटेशनल फोर्स। जिहड़ा वेट आ
ਉਹ ਐਮ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟਡ ਡਾਊਨਵਰਡਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਇਕੁਲੀਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਟ ਨੂੰ, ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਐੱਫ ਵਨ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਏ ਇੰਟੂ ਏ, ਪੀ ਵਨ ਇੰਟੂ ਏ, ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਏ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਪੀ ਟੂ ਇੰਟੂ ਏ। ਕਲੀਅਰ? ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਐੱਫ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐੱਫ ਵਨ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ ਐੱਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਐੱਮ ਜੀ ਵੇਟ ਆ, ਵੇਟ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹੀ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਐੱਫ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੀ ਟੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐੱਫ ਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀ ਵਨ ਏ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਐੱਮ ਇੰਟੂ ਜੀ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਐੱਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਵੋਲੀਅਮ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੋਲੀਅਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਵਨ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਏ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੋ ਇੰਟੂ ਵੀ ਇੰਟੂ ਜੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਵੋਲੀਅਮ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਥੱਲੜਲੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਐਚ। ਸੋ ਏ ਇੰਟੂ ਐਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਵਨ ਇੰਟੂ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਇੰਟੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏ ਅਤੇ ਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਐੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਐੱਚ ਜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਾਹਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਵਨ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਟੂ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰੋ ਐੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਵਨ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐੱਚ ਹਾਈਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐੱਚ ਡੈਪਥ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਏਅਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਹੁਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਏਅਰ, ਏਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦੈਨ ਪੀ ਵਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਪੀ ਏ।
सो पी ए है जो फिर साढ़े को फॉर्मूला की बन गया पी टू माइनस पी ए इक्वल टू रो एच जी। क्लीयर। हुण जिहड़ा ये डिफरेंस ऑफ प्रैशर आ यह सैकेंड पॉइंट का प्रैशर आ गया विद रिस्पैक्ट टू एटमोसफेरिक प्रैशर तो वो वैल्यू कितनी आएगी रो एच जी जिन्ना टू पॉइंट थले होएगा पॉइंट नंबर टू जिन्ना इतों थले होएगा उन्नी असी हाइट नोट करांगे लिक्विड की डेंसिटी फीड करांगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी असी वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर दैन वी कैन कैलकुलेट द प्रैशर एट सैकेंड पॉइंट। सो ए फॉर्मूले असं कहने वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन गेज प्रैशर की कहने जी गेज प्रैशर। क्लीयर। सो तुसीं आम तौर दे उत्ते जो आप अपने वहीकल के टायरों के प्रैशर चैक कराने एयर का आप जो मकैनिक होंदा वो एक उहदे कोल एक मीटर वाली एक अपरेटस हुंदा उहनूं आम तौर पर की कहिंदे आ गेज कहिंदे आ तुसीं सुणिया होणा उहनां तों उह कहिंदे गेज लिआओ भई प्रैशर फाइंड करिए तां उह आही गेज प्रैशर हुंदा। गेज प्रैशर का मतलब दी प्रैशर ऑफ दी सैकेंड पॉइंट विच इज़ अंडर वाटर विद रिस्पैक्ट टू एटमोसफेरिक प्रैशर। एटमोसफेरिक प्रैशर तो सबट्रैक्ट करके जिन्ना उस पॉइंट का प्रैशर आ गया उन्होंने असी की कहांगे गेज प्रैशर। गल पले पैगी हुण सन 1806 दे करीब सॉरी 1608 दे विच की होया भई एक साइंटिस्ट सीगे साडे एवेंजेलिस्टा टोरीसैली। सो एवेंजेलिस्टा टोरीसैली ने की कीता उन्हें एटमोसफेरिक प्रैशर नू कैलकुलेट करन दी एक तरीका फाइंड किया तो वह एटमोसफेरिक प्रैशर फाइंड किया भी वह किदे बराबर आता तो उन्हें की किया वो आप देखिए एक मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब एक मीटर लंबी मेरे इधरले मोढ़े तो लैके लगभग हाथ दे सिरे तक लंबी टेस्ट ट्यूब पतली मरकरी नाल भर ली। मरकरी एक लिक्विड मैटल आ टेस्ट ट्यूब नू मरकरी दे नाल भर लिया जदों सिरे तक भर गई तो उहदे मूहरे उहने ला लिया गूठा गूठा ला के ते उहनू कर लिया उल्टी अपसाइड डाउन मरकरी बाहर तो नहीं निकलूगी थले उहने बंद किया होया जदों बंद किया तो उहने की किया एक टब लिया टब नू भी उहने मरकरी नाल भर लिया तो आपदे गूठे समेत मरकरी दे विच डिप कर लिया तो गूठा थल्लों छड़ता फिर उहने इहनू एक स्टैंड दे नाल इत्थे फिक्स करता मरकरी नाल भरी हुई सी सारी तो थल्ले भी मरकरी दे विच आपां पाता उहनू तो की होया बई मरकरी जिहड़ा ट्यूब दे विच भरिया होया सी सिरे तक वो थले आ गया क्योंकि यह किन्ने मीटर लेंथ सी इहदी 1 मीटर मीनस 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर दी ट्यूब दे विच मरकरी पूरा सिरे तक भर के छड़ता तो की होया बई यह मरकरी जिहड़ी सी वो इन्ना थले आ गई उपरले पासे इत्थे वैक्यूम क्रिएट हो गया कित्थे आके खड़ी जिथे खड़ी उत्थे 76 सेंटीमीटर सीगे इत्थे नाल। क्लीयर। मतलब ये होया भई 76 सेंटीमीटर मरकरी जिहड़ा जिहदा वेट थले नू लग रहा क्योंकि उपर हाइट ते सी इहदा वेट थले नू लग रहा इहनू किहने सपोर्ट करता इहनू सपोर्ट कर लिया जिहड़ा इधरले पासे एटमोसफीयर का प्रैशर इधरले पासे थले नू लग रहा सी। समझ लगी गल की मतलब कढ़िया उहने मतलब यह कढ़िया भी जिहड़ा प्रैशर एग्जर्टड बाय एटमोसफीयर है क्योंकि दिस सरफेस इज ओपन टू एटमोसफीयर हवा इहदे उपर सी ते उस एटमोसफेरिक प्रैशर नूं किहने बैलेंस करता द प्रैशर ऑफ दिस मरकरी कॉलम
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੋਂ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਵੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਦੀ ਐੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਐੱਚ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ, ਅਤੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਸੀਂ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਮਰਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਹੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਰਕਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐੱਚ ਰੋ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ 13.6 ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸਿਕਸ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 13.6 × 10³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 13.6 × 10³। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 0.76 ਮੀਟਰ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਟੂ ਨਾਈਨ ਟੂ ਏਟ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 101.2928। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 101.3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟੂ 10^2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, 10^2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ 3 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ 3 ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ 1.013 × 10^5, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਕਹਿੰਦੇ PA। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰੀਸੈਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਏ ਸਵਿਮਰ 10 ਮੀਟਰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਏ ਲੇਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10.2, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 10.2। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਏ ਸਵਿਮਰ 10 ਮੀਟਰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਏ ਲੇਕ। ਇੱਕ ਲੇਕ ਆ, ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਿਮਰ ਆ, ਉਹ ਸਵਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐੱਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, 10 ਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
पर मीटर क्यूब। सो की असी फार्मूला उही गेज प्रैशर वाला यूज़ करांगे, प्रैशर इज इक्वल टू, क्योंकि एटमोसफेयरिक प्रैशर भी पै रहा, की पढ़िया सी आपां पी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो ते जी, तो इत्थे एटमोसफेयरिक प्रैशर कढ लांगे, सो इन उधर लै जाना मैं पी ए प्लस एच जी एंड रो। सो पुट करो जी वैल्यू, एटमोसफेयरिक प्रैशर की वैल्यू आप हमने कैलकुलेट करके हटे 1.013 इंटू 10^5 पास्कल प्लस हाइट कितनी है जी 10 मीटर, जी की वैल्यू गुणा 10 इंटू डेंसिटी सानू दिती हुई है 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करो तो सॉल्व, इनू प्रैशर कितना आता सो दिस विल बी 10 × 10 × 10^3 कितना आ गया 10^5 ठीक है। सो 1.013 × 10^5 प्लस 10^5 क्लीयर। तो इनू मैं 1 × 10^5 कह दा, कोई फर्क तो नहीं पैंदा। सो मेरे को हुण का फैक्टर आ, एक का फैक्टर इनू जोड़ना आपां 10^5 तो दोनों चो कॉमन आ गया। कितने भी जेकर जोड़न वाला काम आ जाए उदों की करीदा, पहला 10 दियां पावरां बराबर करी दियां, इत्थे तां कुदरती हो गई ना। पर जे होर किसी क्वेश्चन दे विच भी इदां आवे बई दो तुसी फैक्टर्स ऐड अप करने आ तां इदां 10^2 दे विच सब तो पहला काम की करना 10 दी पावरां बराबर कर लई दी इधरों पॉइंट एडजस्ट करके, उदों बाद 10^5 नूं तां मैं कॉमन कढ लिया दोनों चों, अंदर मेरे को की रह गया 1.013 प्लस 1 कितना आ गया आंसर 2.013 × 10^5 पास्कल। इहदा मतलब यह एक एटमोसफेयरिक प्रैशर तो लगभग दुगुना हो गया, ठीक है। ये साडा आंसर आ गया वैसे, पर तुसी ये देखो भी जिहड़ा स्विमर 10 मीटर थले चलिया गया 10 मीटर का पानी उहदे उत्ते उन्ना ही प्रैशर ला रहा जिन्ना सारी एयर ला रही, जिन्ना आपां हुण इस टाइम हवा च खड़े हाँ, हवा च खड़े हुए जिन्ना प्रैशर आपां नूं फील हो रहा एयर का, उन्ना ही प्रैशर होर पै जाना एक्सट्रा वैन वी विल गो 10 मीटर बिलो द वाटर, 10 मीटर थले जाने ते। सो दुगुना प्रैशर हो गया, दो एटमोसफीयर कह सकते हैं इहनूं 2 ATM प्रैशर। तो यदा मतलब जेकर अच्छा 10 मीटर ही गए सी, जेकर आप 1000 मीटर थले चल जाइए, 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर थले चल जाइए किसी लेक दे विच जां सी दे विच चल जाइए तो कितना प्रैशर झलना पेगा, 10 मीटर नाल तां 1 एटमोसफेयर प्रैशर हो गया पानी का, तो 100 होर हो गया, इहदा मतलब 100 एटमोसफीयर प्रैशर झलना पेगा अदर दैन एयर प्रैशर। तो इस करके जिहड़े डाइवर्स हुंदे ने उन्हां दे स्पैशल सूट पाए हुंदे आ, जिहड़ी उन्हां दी कॉस्ट्यूम हुंदी आ, कपड़े हुंदे आ, उह इदां दे हुंदे आ तां कि जिहड़ा उन्हां दा आर्टरीज़ ने, उन्हां दा हार्ट अंदर चल रहा वह इन्ने प्रैशर नूं झल सके उन्हां दी बॉडी। तो जिहड़ियां सबमरीन्स थले जांदियां ने उन्हां दी बॉडी भी इस तरीके नाल इहो जिहे मटीरियल दीआं बणाईआं हुंदीआं जिहड़ा इन्ने ज़्यादा प्रैशर नूं विदस्टैंड कर सके, समझ गए। सो इस लई सानूं साइंस पढ़नी बहुत जरूरी है, तां असीं जिंदगी दे विच कोई चीज़ बना सकते हैं भी इत्थे तक जाके काम करे, किहो जिहे कंडीशनां दे विच काम करनी चीज़ बनाउणी आ। हुण जेकर कोविड होया सी तां कोविड दे विच किन्हां ने हैल्प कीती आ, डॉक्टर्स ने तो पेशेंट नूं सांभिया, वैक्सीन लभण लई कौन काम कर रहे, जिहड़े वायरोलॉजिस्ट ने, जिहड़े वायरस दे साइंटिस्ट ने, वो साइंटिस्ट खोज कर रहे आ भी किहड़ा इन्हां नूं वैक्सीन किहड़ी इदां दी चीज़ बनाई जावे जिहड़ी इस वायरस नूं टैकल करे, इहदे नाल लड़ाई लड़े, एंटीबॉडीज़ बनावे। तो जिहड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट देन हुंदी आ सोसाइटी वास्ते वह साइंटिस्ट ही दिंदे आ, समझ गए। सो सब तो जे आपां देन ज़्यादा ह्यूमनज़ नूं कह सकते हैं किसी इंसानां दी हैगी आ तां उह इंसान कौन हुंदे आ, साइंटिस्ट हुंदे आ, समझ गए। सो इसलिए इहनूं चंगी तरह पढ़न दी लोड़ आ। गेज प्रैशर दा आपां फॉर्मूला कीता P
पी माइनस पी ए इक्वल टू एच रो एंड जी। ध्यान नाल देखो भी ये कि चीज़ें डिपेंड करता। आप पढ़िया भी गेज प्रेशर इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, क्योंकि आ दोनों चीज़ा नीयरली कॉन्सटेंट मनिया जा सकती। सो हाइट से डिपेंड करते हैं। इट डज नॉट इनकलूड एनी एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन नहीं आया कितने भी। असं इतने मन के चले भी सिलेंडर इमेजनरी वह एरिया ए है, तो यद मतलब यह होया जेकर असी एक इदा की पाइप ले लीए, इनू कनैक्ट कर लिए अगे किसी इदा के वैसल दे नाल, मैं हुणे शो करके दिखाउणा, उदों बाद इदा का वैसल बना लिया। लो जी देखो हुण भी आपां की ये तो इनफरेंस करते हैं। इत्थे पानी भर लिया जी, इत्थे तक सारे इहदे विच भी पानी भर लिया, उही पानी असीं इधर भर लिया, लीकुड भर लिया तिना दे विच, तिना लीकुड दा जिहड़ा उपर लैवल आ इट इज सेम। हुण मैनूं इह दसो एक पॉइंट मेरा इत्थे आ, लैट दिस पॉइंट बी ए, एक पॉइंट मेरा इत्थे आ लैट दिस बी बी, एंड एक पॉइंट मेरा इत्थे आ लैट दिस बी सी। आ पॉइंट ये तिने सेम हाइट ते ने, उपर तो नीचे तक दिस इज दी सेम हाइट। की आ पॉइंट ज़्यादा प्रेशर ते होएगा घट होएगा दैन बी एंड सी? की दे उत्ते ज़्यादा होएगा? बी ते ज़्यादा होएगा प्रेशर। हाँ भाई किस सी ते? बी ते ज़्यादा होएगा। होर कोई ये देखण नूं ही लगता, देखण नूं ये लगता भई इत्थे प्रेशर होर होएगा, इत्थे प्रेशर होर होएगा, इत्थे प्रेशर होर होएगा, बट असी हुणे पढ़िया भी प्रेशर डिफरेंस आ जिहड़ा गेज प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। आ जिहड़ा एरिया चाहे छोटा होवे चाहे वड्डा, इह तां डिपेंड नहीं करता, प्रेशर नहीं डिपेंड करता। जे लीकुड तिने ये स्टेशनरी ने रैसट ते ने, बट जे मूव करते हो फिर पढ़ा अगले चैप्टर जाके भी उतों की फर्क पैंदा। प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने हाइट सेम। हाँ उत्थे फर्क हो सकता जेकर बी पॉइंट इत्थे उपर हुंदा क्योंकि हाइट का डिफरेंस हो जाना सी, पर हुण असीं इत्थों सानूं इह पता लग गया भी जेकर हाइट साडी सेम आ, डैप्थ सेम आ, दैन द प्रेशर विल बी सेम। क्लीयर? इहनूं असीं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहने, जिहड़ी आ कंडीशन आ दिस इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वो हुंदा जिहड़ा देखण नूं कुछ होर लगे पर होवे कुछ होर। हुण इत्थे देखण नूं जिवें तुसीं पहला जवाब दिता भी आ बी पॉइंट दे विच प्रेशर ज़्यादा होएगा जी, थोड़े दिमाग शायद तां आया होगा क्योंकि आपां जदों पाइप दे विचों दी पानी आउंदा तां आपां जिन्ना उहदा एरिया घटा दिंदे आ तां उहदी स्पीड वध जांदी है ना। आपां कहिंदे वी इत्थे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, पर नहीं, क्योंकि पानी आ जिहड़ा ये असीं मन्निया होया लिक्विड आ, सॉरी इट इज़ रैसट, इट इज़ एट रैसट, ये मूव नहीं करता। तो इस करके बी पॉइंट ए पॉइंट एंड सी ऑल दी थ्री हैव सेम प्रेशर। समझ लग गई गल? सो इदा यह साडा चलूगा अगे। तो हुण तुसी गेज प्रेशर बारे पढ़ लिया, एग्जाम्पल नंबर 10.2 आपां कर चुके हैं, तो उदू बाद एग्जाम्पल नंबर 10.3 एंड 10.4 ये मैं तुहाडे ते छड्डदा, ये तुसी अपने आप करके देखणियां ने। एग्जाम्पल नंबर 10.3 NCERT बुक दी एंड 10.4 ये तुसी करके देखनी है, तो जे कोई डाउट्स होए तो तुसी कमेंट सैक्शन च लिख सकते हो। ठीक है, उत्थे लिख दिया करो चाहे यूट्यूब वाले चैनल पर। समझ लग गई भाई? चलो अज फिर इन्ने करते हैं।